किशनगंज थाना क्षेत्र में पड़ोसी पर किया जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज। खुशियाँ मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। किशनगंज थाना क्षेत्र के पंचिल इलाके के रहने वाले सुरेश और उसके परिवार पर क्षेत्र के ही रहने वाले रमेश लोहार, रणजीत व अन्य लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें उसके सिर पर चोट आई है और उसके परिवार के भी चोट आई है। इस संबंध में पीड़ित सुरेश ने किशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित सुरेश ने बताया कि रामेश्वर रणजीत लोहार उन्हें वहां रहने नहीं देता और उनके काम को लेकर भी विरोध जताया जाता है, इसी कारण उन्होंने उसके परिवार पर हमला किया। इस संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। जी हाँ भैया, क्या हुई थी वारदात? सर ये रमेश लोहार है, इसकी पत्नी, इसके बच्चे हमारे घर में घुस के हमको मारा और हथियार से मारा और आए दिन लड़ाई करते रहते हमसे। क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है सर, ये हमने जो काम खोल रखा वो इनको पसंद नहीं है कि भाई यहाँ पे हमारे अलावा कोई रह नहीं सके, हमारे अलावा कोई काम नहीं कर सके और आए दिन लड़ाई करता रहता है ये सर। किस तरह की चोटें आई है, कहीं से मारा आपको? मेरे को सर पीछे से वार करा है, ये सिर में। इधर आप देखो, पीछे से वार किया है, सिर में मारा है सर। कहीं से मारा? उससे हॉकी से, इसके बड़े वाले बेटे ने मारा है, रंजीत ने। कहाँ का है मामला? BPL क्वार्टर का है अपने, पंचिल, ये जलकारी वाली। हाँ रिपोर्ट कराइए सर। ये अपने इसमें किशनगंज थाने में। क्या चाहते हो? मैं तो चाहता यही हूँ कि भाई इनको एक बार कोर्ट में लेके जाऊँ, इन पर कार्रवाई हो। पहले भी हुई है, एक महीने पहले भी कार्रवाई लिखित में दिया था यहाँ से कि पुलिस वाले आए थे, समझा के गए थे, फिर भी नहीं माने ये। कितने लोगों ने आप पे हमला किया? ये 6-7 जने थे सर। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश।